दोस्तों आज की कहानी है बहू तुम्हारा बच्चा तो गर्भ में ही मर गया। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। हमारे एक राज के बारे में किसी को अभी तक पता नहीं चला है और ना कभी किसी को पता चलना चाहिए। रागिनी जी ने अनिल जी से कहा, सही कह रही हो तुम, ये राज कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कहते हुए अनिल जी अतीत के गलियारों में भटकने लगे। कितना खुश परिवार था उनका। इकलौते बेटे धुरव की शादी मानसी से की और मानसी को बहू बनाकर घर ले आई। मानसी तो सर्वगुण संपन्न थी, हमेशा रागिनी जी और अनिल जी का अपने माता पिता से भी बढ़कर ख्याल रखा। बदले में उसे भी अपने सास ससुर का प्यार और इस घर में पूरा मान सम्मान मिला था। लेकिन उनके परिवार की खुशियों को जाने किसकी नजर लग गई। जानलेवा केसर ने धुरव को नहीं छोड़ा। उस समय मानसी प्रेग्नेंट थी। इतनी छोटी उम्र में जीवन का ये दुख, पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे कटेगी, यही सोचकर सब मानसी को दूसरी शादी के लिए कहते हैं। लेकिन मानसी ने दूसरी शादी के लिए मना कर दिया। वह रागिनी जी और अनिल जी के साथ ही अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहती थी। वह कहती थी धुरव के जाने के बाद मम्मी जी पापा जी मेरी जिम्मेदारी हैं, मैं उन्हें भी समझदार छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर रागिनी ने उसे बहुत समझाया। ना मानने पर रागिनी जी ने उनके साथ बहुत रूखा व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे रागिनी दूसरी शादी के लिए मान जाए। इस पर मानसी बोली, माँ जैसा व्यवहार मेरे साथ कर रही हो वैसे आप बिल्कुल नहीं हो, तो क्यों अपने आप को भी दुखी कर रही हैं। तू शादी के लिए तैयार हो जा, मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगी। किसी तरह रागिनी जी उसे शादी के लिए तैयार कर लेती हैं। अब जहाँ भी रागिनी जी मानसी की शादी के लिए बात चलाती, सब मानसी के होने वाले बच्चे को अपनाने से मना कर देते। मानसी को जब ये बात पता लगी उसे बहुत दुख हुआ। कितनी गंदी मानसिकता है लोगों की, मैं धुरव की इस आखिरी निशानी को नहीं छोड़ूंगी। अब रागिनी जी और अनिल जी बहुत परेशान थे। जब मानसी की डिलीवरी का समय आया तो रागिनी जी मानसी को लेकर अपनी बहन के पास शिमला चली गई। वह मानसी ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। लेकिन जब मानसी होश में आई तो उसे ये कहा गया कि उसने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। ये सुनकर मानसी बहुत रोई। इस घटना के बाद मानसी को अपने दुख से बाहर निकलने में एक साल लगा, जिसमें उसका साथ डॉक्टर विनय ने दिया। धीरे धीरे मानसी और विनय एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगी और एक दिन अच्छा मुहूर्त देकर उनकी शादी कर ली। उधर रागिनी जी की बहन ने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया और अपने घर के पास ही एक स्कूल में एडमिशन करा दिया। आज भी मानसी अपने उस बच्चे को भूल नहीं पाई, क्योंकि वह उसके पति की आखिरी निशानी थी। हालांकि अब मानसी दो बच्चों की माँ बन चुकी है और अपनी गृहस्थी में खुश है। अब मानसी अपने आत्मविश्वास को वापस पा चुकी है। वह भी एक नौकरी करती हैं जिसने उसे आत्मनिर्भर तो बनाया है, अपना आत्म सम्मान बनाए रखने में भी मदद की है। रागिनी और अनिल जी ने रागिनी जी की बहन के साथ मिलकर मानसी के ज्वलंत भविष्य के लिए जो बात छुपाई थी वह राज आज तक किसी को पता नहीं चला और ना ही भविष्य में वह राज किसी के सामने खुलेगा। वह तो उन तीनों ने अपने दिल में दबा कर रख छोड़ा। अगर वह ये राज ने रखते तो मानसी दूसरी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होती। आपने सही कहा, मानसी को सुखी गृह जीवन देने के लिए उससे उसके बेटे का राज रखना जरूरी था। कुछ राज हमेशा राज बने रहे तो सबके लिए अच्छा है। रागिनी जी वर्तमान में उनसे बोल रही थी तभी दरवाजे की घंटी बजी। रागिनी के सामने उनका पोता खड़ा था समर।
मानो धुरव ही सामने खड़ा हो। रागिनी जी ने समर को अपने सीने से लगा लिया। उनका जीने का सारा उनके सामने था, जो आज उन्हें अपने साथ हमेशा के लिए ले जाने आया था। रागिनी जी भी यहाँ से अब दूर जाना चाहती थी। अब मानसी के सामने अपने अकेलेपन को छुपाना मुश्किल हो गया था। दो दिन बाद वह सब वहाँ से चले गए, अपने सीने की एक राज छुपा कर हमेशा हमेशा के लिए।